dear students welcome in the lecture series on chemical bonding and in this series we are discussing about uh, stereochemistry and bonding in main group compounds and before this lecture i had completed metal carbides and metal nitrides and in this lecture i will discuss about the metal borides तो आपका स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग की इस सीरीज में जो कि इस सीरीज का जो स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट लेक्चर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो है मेटल पोराइट और इससे पहले के लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेटल कार्बाइड्स एंड मेटल नाइट्राइड्स तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेटल बोराइड्स क्या हैं क्या उनको बनाने के जनरल मेथड्स हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल बोराइड्स मेटल बोराइड्स क्या होंगे द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन विथ मोर पॉजिटिव एलिमेंट्स देन बोरॉन तो जनरली जो ये मेटल बोराइड्स हैं, मेटल नाइट्राइड्स हैं, मेटल कार्बाइड्स हैं, वो क्या है कि जब किसी एलिमेंट जो कि उनसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उनके साथ जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं जैसे कार्बन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या बोर के साथ तो उनको हम या तो मेटल कार्बाइड कहते हैं या मेटल नाइट्राइड कहते हैं या मेटल बोराइड कहते हैं तो इसी तरीके से आप देखेंगे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोरॉन से अधिक होगी वो बोरॉन के साथ मेटल बोराइड्स बनाते हैं ओके जनरली ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म मेटल बोराइड्स मेटल बोराइड्स को अगर हम देखेंगे तो वो

विच आर हेल्पफुल इन दी प्रिपरेशन ऑफ मेटल बोराइड्स तो कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम मेटल बोराइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं पहला जो मेथड है वो क्या है डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड बोरोन एट हाई टेम्परेचर तो आप देख सकते हैं जो मेटल है ये डायरेक्टली बोरोन के साथ रिएक्ट करता है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर तो ये बोराइड बना सकता है इसे कैल्शियम भी जो है वो बोरोन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करके कैल्शियम बोराइड बना सकता है सेकेंड मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोराइड इज दट मेटल और मेटल ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोरॉन कार्बाइड एट हाई टेम्परेचर तो जब एक मेटल ऑक्साइड या मेटल बोरॉन कार्बाइड के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं तो बोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं थर्ड मेथड आप देखेंगे कि मेटल बोरॉन कार्बाइड एंड बोरोन ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर तो मेटल बोरॉन ऑक्साइड एंड बोरोन कार्बाइड वेरी हाई टेम्परेचर इट विल फॉर्म मेटल बोराइड तो आपने देखा पहला मेथड में आपने देखा कि मेटल बोरॉन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो बोराइड बना रहा था मेटल ऑक्साइड कार्बाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है बोरॉन कार्बाइड के साथ या फिर मेटल ऑक्साइड एंड कार्बाइड के साथ बोरॉन कार्बाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है बोराइड बना सकता है नेक्स्ट मेथड देखिए आप जब कार्बन और बोरॉन ऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर बोरॉन ऑक्साइड एंड कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल ऑक्साइड मेटल पोराइट कैन बी फॉन्ड तो आप देख रहे हैं कि एक मेथड ये है जहां पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो हाई चाहिए तो बोरोन बोराइट का फॉर्मेशन हो सकता है और एक मेथड और है जहाँ पर आप देखेंगे कि बोरोन ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जहाँ पर ग्रेफाइड एनोड और ग्रेफाइड और स्टील कैथोड का यूज करेंगे तो क्या होगा बोराइट जो है इट गेट डिपोजिटेड एट द सर्फेस ऑफ कैथोड तो इस तरीके से एक मैथड इलेक्ट्रोलिस का मैथड भी है जिससे मेटल बोराइट का फॉर्मेशन किया जा सकता है सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बोराइड्स इज देयर क्लासीफिकेशन अगर हम देखें इसके क्लासीफिकेशन को तो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक है मेटल रिच बोराइट एंड अदर इज बोरॉन रिच बोराइट तो जो क्लासीफिकेशन है इसका वो बेस्ड है बी एंड एम रेशियो के ऊपर बोरॉन इज टू मेटल रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है अगर ये रेशियो फोर इज टू वन से कम है तो ये मेटल रिच बोराइड है आप देख सकते हैं मेटल रिच बोराइड का मतलब बोरॉन कम है और मेटल जो है वो अधिक होगा यहाँ पर रेशियो इस तरीके से होना चाहिए कि एम एक्स एक्स बी बी जो जो जनरल होगा शुड ग्रेटर देन कैटेगरी है वो बोरॉन रिच बोराइड है जहाँ पर बी एंड एम का रेशियो फोर इज टू वन से या तो बराबर होता है या अधिक होता है और जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें बोराइड का तो एम बी एक्स अगर है तो एक्स इज ग्रेटर देन टू सी दी दी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल रिच बोराइड्स ये किसके कौन से एलिमेंट जनरली मेटल रिच पोरोड बनाते हैं मेन ग्रुप मेटल्स बना सकते हैं लेंथनाइट बना सकते हैं एक्टिनाइट्स बना सकते हैं और जो मेटल रिच पोर होते हैं दे आर दे कैन एक्ट एज सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर सेमी कंडक्टर डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटीरियल्स पेरा मटीरियल्स और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल और ये जो जो बोराइड्स हैं वो स्टेबल होते हैं और रिफ्रैक्टरी होते हैं दे आर टेम्परेचर रजिस्टिंग सब्सटेंसेस ओके और अगर हम इन बोराइड्स को अगेन डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं बोराइड्स विद आइसोलेटेड एटम्स एंड बोराइड्स हैविंग बी टू यूनिट चेन और शीट ऑफ बोरोन एटम्स तो ये दो मेन टाइप्स में टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जबकि हम बोरोन रीच अगर बोरोइड्स को देखें तो ये इनर्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इसके अंदर कौन से बोरोइड्स आते हैं जिनमें थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है बोरोन एटम्स का तो आप देख सकते हैं जो मेटल रिच बोराइड्स की जो पहली कैटेगरी है वो है बोराइड्स विद आइसोलेटेड बोरोन एटम तो इसमें आप देखेंगे कि होता क्या है कि जो मेटल होता है वो मेटल क्या करेगा वो मेटल जो है वो अरेंज होगा ट्राइंगर प्रिजमेटिक या स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक यूनिट्स में और उस अरेंज में क्रिस्टल लैटिस उनकी जो है वो इस तरीके की होगी मेटल का अरेंजमेंट और वो इंटरस्टिशियल साइट्स जो फॉर्म करेंगे मेटल आयस वहाँ पर इसके बीच बीच में जो इंटर स्टेशल साइट्स होगी वहाँ पर क्या होगा बोरोन एटम और ये जो बोरोन एटम होगा ये एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए होंगे इसीलिए हम इनको आइसोलेटेड बोरोन एटम्स कहते हैं और ये तीन तरीके के मेनली आपको बोराइड्स मिलेंगे एम थ्री बी एम सेवन बी थ्री एंड एम टू बी टाइप Okay. और यहां पर आप देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने बोरॉन लिया और इसके साथ हमने मेटल ऐड किया अभी बोरॉन हमने बहुत अधिक नहीं लिया है तो जब बोरॉन कम है मेटल अधिक है तो मेटल क्या बना रहे हैं उसकी आप कह सकते हैं मेटल एक तरीके का स्केलेटन बनाएगा और वो इंटरस्टिशियल साइट्स फॉर्म करेगा जिसमें ये बोरोन होगा और बोरोन जो है वो सिंगल बोरॉन एटम्स होंगे आइसोलेटेड बोरॉन एटम्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे तो इसको हम कहते हैं बोरॉन्स जिनमें बोराइड जिनमें की बोरॉन क्या होगा आइसोलेटेड एटम की फॉर्म में नेक्स्ट जो यहाँ पर आप देखेंगे बोराइड्स जिनकी जिनके पास बोरॉन टू बी टू यूनिट होती है तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास मेटल था उसमें हमने बोरॉन ऐड किया था उसमें हम फर्दर बोरॉन अगर ऐड करते जाए इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से तो अगर हम उसमें फर्दर बोरॉन ऐड करते जाए तो बोरॉन इंक्रीज होगा और जैसे जैसे बोरॉन इंक्रीज होगा बोरॉन बोरोन के साथ जुड़ने लगेगा सो दैट द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन विल इंक्रीज तो देखिए बोरॉन और बोरॉन एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे तो ये यूनिट क्या है बी टू यूनिट ये बी टू यूनिट है तो आप देखेंगे धीरे धीरे दो बोरऑन एटम जुड़ने शुरू हुए हैं और ये जो पाया जाता है एम थ्री बी टू टाइप बोराइड में मिलेगा जहाँ पर ये मेटल एटम्स हैं वेनेडियम, न्योबियम टेंटेलम यहाँ पर आप देखिए कि क्या होगा कि मेटल जो है एक स्केलेटन बनाएगा उसकी इंटर साइट्स पर ये जो बी टू यूनिट है ये क्या होंगी फिट होंगी मेटल रिच बोराइड में आपने देखा कि ये चेन स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकते हैं तो अगेन इफ इंक्रीज द बोरोन कंटेंट देन यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ बोराइड एम बी एंड टाइप बोराइड्स जहां पर आप देखेंगे ये सिंगल जिगजैग चेन बनाने लगे हैं बोरोन एटम्स इस तरीके से यानी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बढ़ रही है और बी बी से जुड़ रहा है और ये जो जिगजैग चेन है ये जिगजैग चेन मेटल लेट इसमें प्रेजेंट होगी तो ये किस तरीके का बोराइड है मेटल रिच बोराइड फर्दर अगर बोरॉन की कंसंट्रेशन या अमाउंट इंक्रीज होगा देन आप देखेंगे कि ये ब्रांचड चेन बना सकता है तो बोरॉन एटम फर्दर कैटिनेट कर रहे हैं और ब्रांचड चेन बन रही है इनकी और ये ब्रांचड चेन जो है वो जो मेटल की जो लैटिस होगी उसमें ये प्रेजेंट होंगे इसके बाद आप देखेंगे फर्दर अगर आ, यहां पर और बोरोन एटम हो तो वो जो वो जो सिंगल चेन थी डबल चेन भी बना सकते हैं बोरोन एटम और जो जिस तरीके के बोरोइड्स में ये होता है वो है एम थ्री बी फोर टाइप बोराइड्स और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट था ये देखिए चेन पार्ट है और इसका अगर हम ये पार्ट देखें तो ये भी चेन पार्ट थी तो ये दो चेन जब मिल जाएंगी अगेन ये देखिए बोरॉन जुड़ता जा रहा है जुड़ता जा रहा है तो ये क्या बनाएगा बोरोन डबल चेन ऑफ बोरोन एटम्स और ये डबल चेन ऑफ बोरॉन एटम्स प्रेजेंट रहेगी मेटल की लेटिस में एंड जो अदर कैटेगरी है की वो है टू डायमेंशनल सीट और लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती है ये भी मेटल रिच बोराइड्स की के कैटेगरी है जहां पर जनरल फॉर्मूला होता है बोराइड्स का एम बी टू फर्दर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जुड़ रहा है और जुड़ जुड़ के आप देख रहे हैं कि अब मेटल जो है वो प्रेजेंट है जो बोरॉन का जो टू डायमेंशनल जो जो जाल है जो नेटवर्क है उसमें आप देख रहे हैं मेटल फिट हो जाता है और ये कहलाता है शीट स्ट्रक्चर और इस तरीके से एक शीट और उसके नीचे दूसरी शीट फिर तीसरी शीट दे कैन फॉर्म लेयर स्ट्रक्चर तो ये जो जो मेटल बोराइड्स हैं ये एम बी टू टाइप मेटल बोराइड्स हैं और फर्दर इफ वी इंक्रीज द कंटेंट ऑफ बोरॉन तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा मेटल रिच बोराइड अब बोरॉन इतना अधिक हो गया है कि बोराइड में बोरॉन अधिक है और मेटल कम है ये जनरली थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इसमें जो मेन एग्जाम्पल है वो है एम बी फोर एम बी सिक्स एंड एम बी ट्वेल्व और यहां पर आप मैं जो आपको दिखा रही हूं जो स्ट्रक्चर ये है एम बी फोर टाइप बोराइड का जहां पर आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये क्या है ये एक बी सिक्स ऑक्टा है B6 सिक्स ऑक्टा का मतलब है कुछ इस तरीके का ये ज्योमेट्री है कि एक भी दूसरा भी जो ऑक्टा है उसकी सिक्स पर बोरोन एटम है तो ये एक कंप्लीट जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये देखिए ये दूसरा B6 है ये तीसरा B6 है चौथा ऐसे बहुत सारे B6 होंगे और इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है ये देखिए बी टू यूनिट तो दो बी सिक्स जो ऑक्टा हीट्रा है ये आपस में बी टू यूनिट से जुड़े हुए हैं इस प्रकार ये दे आर फॉर्मिंग दी थ्री डायमेंशनल नेटवर्क आप देखिए यहाँ पर भी दो बोरोन एटम है बी टू यूनिट है बी टू यूनिट है तो so, ये जो बी सिक्स ऑक्टाहीट्रा है इट इज दे ज्वाइन टूगेदर वायर बी टू यूनिट्स अगर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर को हम सी एस सी एल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर से जोड़ सकते हैं और ये इसकी क्यूबिक लैटिस होती है और ये क्यूब के जो कॉर्नर हैं जहां पर सीएल माइनस होता है दिस इज द प्लेस ऑफ सी एल माइनस यहाँ पर क्या होगा बी सिक्स यूनिट तो एक बी सिक्स यूनिट यहाँ पर होगी दूसरी बी सिक्स यूनिट यहाँ पर होगी तीसरी यहां पर होगी फोर्थ fifth sixth seventh and eighth so in this way you will find uh, six b8 b6, uh, b6 units uh, in uh, a unit cell of C-S-C-L type structure to so इस तरीके से आप देखेंगे एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है जो कि एम बी सिक्स टाइप बोरोन रिच बोर में होता है और मेटल सेंटर जो है वो इन जो नेटवर्क होगा थ्री डायमेंशनल नेटवर्क के बीच में क्या होगा मेटल प्रेजेंट होगा देन जो दूसरे तीसरे तरीके का जो मेटल बोराइड है जिसमें थ्री डायमेंशनल नेटवर्क होता है वो एम बी ट्वेल्व टाइप जो की एनए सीएल टाइप यूनिट उसकी होती है और इस एनए सीएल यूनिट में जो ग्रीन कलर से दिखाया ये सीएल माइनस है और इसकी जगह पर क्या होगा बी ट्वेल्व यूनिट सो दिस इज अ यूनिट पर आप देखेंगे इस बी ट्वेल्व यूनिट में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व फोर एटम है तो इतना एक बड़ा यूनिट यहां पर है यहां पर है यहां पर है ये सारे जो ग्रीन पॉइंट दिखाए गए हैं जहाँ पर सीएल माइनस होता है एनएसएल में उसकी जगह पर बी ट्वेल्व यूनिट है तो इस तरीके से आप देख सके कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता जा रहा है तो ये एक एग्जाम्पल है बोरॉन रिच बोराइट का ओके okay? तो इसके बाद आप देखेंगे ये डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बोराइड के देन वी विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ बोरॉन बोराइड्स और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेटल रिच बोराइड्स की अगर मैं अपलिकेशन देखूँ जनरल तो कुछ मेटल रिच बोराइड्स हैं जैसे कि डी आई बी टू है ए एल बी टू है ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है ब्लेड कंबशन चैम्बर्स एंड रॉकेट नोजल्स जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करना हो तो वहाँ पर बोराइड्स इन बोराइड्स का यूज किया जाता है और इनका यूज किया जाता है फेब्रिकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर रिएक्टर वेसिल आप देखेंगे कि जो मेटल रिच बोरोइड्स हैं, जनरली दे आर हाई टेम्परेचर रजिस्टिंग रजिस्टिंग पावर तो उनका यूज जहां पर भी हाई टेम्परेचर रिएक्टर वेसल्स होंगे वहां पर हम उसका यूज कर सकते हैं ओके okay? देन uh, आप देखेंगे जो बोरॉन रिच बोराइड्स हैं उनकी भी एप्लीकेशंस हैं तो जैसे बिकॉज दे आर वेरी हार्ड स्टेबल एंड नॉन वोलेटाइल रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टरी सब्सटेंसेस जो बहुत हाई टेम्परेचर को आ, सह सकते हैं तो उसके अलावा आपने देखा कि ये जो है आ, ये डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको दिखाई थी कि ये इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी परजेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दे कैन बी यूज एक जो आप देख रहे हैं ये बोराइड है एल बी सिक्स इसको हॉट कैथोड्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनर्ट रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है ये एक देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड जो बोराइड है वाई बी सिक्सटी सिक्स क्रिस्टल ये मोनोक्रोमीटर की तरह यूज़ होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं मोनोक्रोमीटर्स की तरह यूज होते हैं थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है इनकी प्योर मेटल से तो जहां पर भी कंडक्टिव मटेरियल हमें चाहिए तो वी कैन यूज बोराइड्स बोराइड्स जिनमें की टेन बी आइसोटो प्रेजेंट होता है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये थर्मल न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है वो बोराइड्स जिनमें की टेन बी आइसोटो होता है उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मेटल बोरोइड्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे आर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स हैं और वो बहुत हाई टेंपरेचर को रजिस्ट कर सकते हैं एंड इफ आई आई गिव यू द समरी ऑफ दिस लेक्चर देन वी विल फाइंड दैट वी हैड सीन देयर प्रिपरेशन मेथड एंड स्पेशली वी हैड क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड यू हैड सीन दैट हम उसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं मेटल रिच बोराइड एंड मेटल बोरॉन रिच बोराइड और अगर हम uh, देखेंगे बोरोन मेटल रिच बोराइड को तो ये जो है वो Uh, कई तरीके के हो सकते हैं जहां पर बोरोन आइसोलेटेड एटम की तरह हो सकता है या बोरोन जो है वो बी टू यूनिट बना सकता है या बोरॉन जिग जैग चेन बना सकता है या वो ब्रांच चेन बना सकता है या फिर वो डबल चेन बना सकता है या फिर वो शीट स्ट्रक्चर यानी टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर या लेयर स्ट्रक्चर बना सकता है दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटल रिच बोराइड्स और अगर आप बोरोन रिच बोराइड्स को देखें तो ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है ये तीन तरीके के आपने देखे एम बी फोर एम बी सिक्स एंड एम बी ओके okay? तो ये देखिए तीन तरीके के हमने देखे वो तो वो को को करते हैं तो पर भी high temperature को करने के लिए मटेरियल की जरूरत होती है तो वहां पर मेटल बोराइड्स का यूज किया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल बोराइट एंड दिस लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग स्पेशली केमिस्ट्री एंड Uh, bonding in main group compounds has been finished. Okay, so thank you very much.